इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक। यासिर, अदालती इस्लाहात का बिल पेश कर दिया गया है, बिल में क्या क्या है, क्या तजावीज दी गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 जो है वो कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया है। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारर ने अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 जो है वो कौमी असेंबली में पेश किया है। आजम नज़ीर तारर ने कौमी असेंबली से इदारे ख्याल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं आइन रूल्स और कानून के ताबे होंगे। अदालती तारीख देखें तो उसके मुताबिक 184 की शिक 3 पर बहुत ज्यादा तनकीद जो है वो की जा रही है। दो जजेस के जो गुज़िश्ता रोज बयान सामने आए उसके बाद जो है वो अब ये बहुत जरूरी हो गया था कि इसमें तरमीम जो है वो की जाए। और उनका ये भी कहना था आजम नज़ीर तारर का कि अदालती तारीख में फर्द वायद ने इख्तियार के इस्तेमाल से इदारे को जो है वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। अदालत की साख और वकार पर उंगलियां उठाई गई। और जब उन्होंने ये बिल पेश किया आजम नज़ीर तारर ने ऐवान में, तो उसके फौरन बाद उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन है वो भी इस ऐवान के अंदर मौजूद हैं, और अक्सर औकात ऐसा हुआ है कि तेजी में जो बिल है वो कौमी असेंबली से माजी में पास होते रहे हैं, तो ये एक ऐसा बिल है जिसके ऊपर तफसीली जो है वो स्टैंडिंग कमेटी को ये बिल भेजा जाए। अगर ऐवान चाहे तो आज मंजूर कर ले, लेकिन मेरी राय ये है कि ये स्टैंडिंग कमेटी को बिल भेजा जाए, और इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने के बाद स्टैंडिंग कमेटी जो है वो इसके ऊपर बखूबी इसका जायजा ले। शुक्रिया यासिर मलिक, हमारे साथ मौजूद थे।